ये जो आप रौनक देख रहे हैं वह महाराष्ट्र के हिल स्टेशन महाबलेश्वर के मुख्य बाजार से करीब 6 किलोमीटर दूर पुराना महाबलेश्वर का है। दरअसल ये सब दर्शनार्थी हैं जो पवित्र महाबलेश्वर और अति महाबलेश्वर मंदिर का दर्शन करके उससे थोड़ा आगे पवित्र पंचगंगा मंदिर का दर्शन करने जा रहे हैं। करीब 4500 साल पुराना ये मंदिर हिंदुओं का पवित्र धर्म स्थल है। 5 पवित्र बारहमासी नदियों कृष्णा, कोयना, गायत्री, सावित्री और वेणा के उद्गम स्थल पर ये मंदिर है। यहाँ पर आपको पांचों बारहमासी नदियों की धाराएं एक होकर एक चौकोर तालाब में गोमुख से निकलती हुई दिखाई देती है। इनकी धाराओं में ही दो और नदी सरस्वती और भागीरथी गुप्त रूप से आकर मिलती हैं। जैसा कि आपको बताया, इनमें से 7 में से पहली 5 नदियाँ हमेशा 12 महीने बहती हैं, लेकिन सरस्वती प्रत्येक 60 सालों में एक बार दर्शन देती है। अब वह ईस्वी सन 2034 में दर्शन देगी। वहीं भागीरथी नदी प्रत्येक 12 साल में दर्शन देती है। आखिरी बार उसने 2016 में मराठी सावन महीने में दर्शन दिया था और अब 2028 में दर्शन देगी। इसकी जानकारी मंदिर में दी हुई है। यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। मंदिर के अंदर उनकी एक सुंदर मूर्ति भी है। मंदिर से बाहर निकलने पर कृष्णा नदी स्वतंत्र रूप से बहती है। भक्त इन नदियों में से कृष्णा, वेना, कोयना, सावित्री और गायत्री नदी का उनके अलग अलग मूल स्थानों पर जाकर व्यक्तिगत रूप से दर्शन करते हैं। तो जब भी महाबलेश्वर की खूबसूरती का आनंद लेने वहां जाएं, पुराना महाबलेश्वर के पंचगंगा मंदिर जाना मत भूलें। पूरे साल मंदिर में रौनक रहती है। स्थानीय लोगों के अलावा भक्तों और सैलानियों से आसपास का इलाका गुलजार रहता है। मंदिर के आसपास आपको हस्तशिल्प दुकानें भी मिलेंगी, जहां से आप याद के तौर पर अपने और अपने प्रियजनों के लिए सामान खरीद सकते हैं। तो रंगारंग इंडिया में आज इतना ही, लेकिन देश की हर खूबसूरती को निहारने के लिए देखते रहिए अपना YouTube चैनल रंगारंग इंडिया।